टेस्टी फूड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी स्वाद वाली कढ़ी की रेसिपी दिखाऊंगी, जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम सामग्री इसके लिए मैंने यूज़ की है। तो ये बहुत टेस्टी लगती है पीने के लिए, या फिर सिंपल राइस या खिचड़ी या कोई भी चावल के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए 1 कप खट्टा दही मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे लिया है मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1.5 इंच सूखा नारियल का टुकड़ा है और 1/2 इंच अदरक है, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। अगर आप चाहें तो मिक्सर से ये पीस सकते हैं। यहाँ पे लिया है 1 कप धनिया पत्ता, 3 से 4 हरे मिर्च और 7 से 8 कड़ी पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है, 1 टीस्पून राई लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 2 पिंच मैंने हींग लिया है और इसी के अंदर मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी मिलाया है। सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम ये दही मिलाएंगे, उसी के साथ साथ बेसन। अब यहाँ पर मैंने नमक भी मिला दिया है। अब सारे मिक्सचर को हम मथनी की मदद से इस तरह से हम फेंटेंगे उसको, ताकि बहुत ही अच्छे से ये जो मिश्रण है वो सॉफ्ट हो जाए। अगर उससे पहले पानी मिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ जो है वो जल्दी टूटती नहीं है। अब यहाँ पर मिलाएंगे हम 2 कप पानी और उसके बाद हम फिर से मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सॉफ्ट घोल तैयार करेंगे। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। अब मिश्रण हमारा तड़का के लिए रेडी है। तो 1 गैस पर मैंने बर्तन को रखा है, उसमें 2 चम्मच तेल गरम किया है और उसमें डाला है राई। राई चटकने के बाद हम मिलाएंगे जीरा और जीरे को चटकने के बाद हमें गैस का फ्लेम लो करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मिलाएंगे हम अदरक लहसुन और नारियल का पेस्ट, ये भी हमें धीमी आँच पर ही इसको 1 मिनट भर के लिए पकाना है। उसके बाद हम मिलाएंगे मिर्ची और ये जो कड़ी पत्ता है उसको हमें हाथों से तोड़ के इसके अंदर मिलाना है, ताकि कड़ी पत्ता का स्वाद जो है वो बहुत अच्छी तरह से कड़ी में घुल जाता है। अब मिलाएंगे हल्दी पाउडर और हींग, इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे हम। तड़का देते समय हमेशा लो फ्लेम पे देना चाहिए, क्योंकि तड़का जलता नहीं है। अब हम मिलाएंगे दही का घोल। मेन प्रोसेस हमारा हो चुका है, अब हमें इसको थोड़ा सा और पतला करना है। उसके लिए 1 कप पानी और मिलाया है और उसके बाद हमें कड़ी उबालने के लिए गैस का फ्लेम हाई किया है। हाई करने के बाद उबलने तक इस तरह से चम्मच इसके अंदर डाल के रखना है, ताकि कड़ी ना फटे। अब मिलाएंगे 1 इंच गुड़ मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो ना डालें, लेकिन कड़ी खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जैसे ही कड़ी को उबाल आएगा तो लगातार हमें इस तरह से मीडियम आँच करके चम्मच से हिलाते रहना है और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद धनिया पत्ता इसमें मिलाना है। तो कड़ी जितनी उबलेगी, अच्छे तरह से पकेगी, उतनी टेस्टी लगती है। तो इसको लगभग 5 से 6 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे या धीमी आंच पे आपको इसको उबालना है और उसके बाद ये गर्मा गर्म सर्व करनी है। तो ये पीने के लिए बहुत ही टेस्टी हमारी कड़ी 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये सिंपल राइस के साथ, पुलाव के साथ, खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।